लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आई कम सीटों के बाद कांग्रेस में इस्तीफे देने का दौर सचल निकला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे से कांग्रेस में इस्तीफे देने की होड़ सी लग गई है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफे का कारण लोकसभा चुनाव में हिसार से कांग्रेस के उम्मीदवार और अपने बेटे भव्य बिश्नोई की हार को बताया है। कुलदीप बिश्नोई ने लंदन से ट्वीट कर यह जानकारी दी। वह लंदन में गले का इलाज करवाने गए हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेज दिया है। जिस दिन मेरे बेटे ने हिसार से लोकसभा चुनाव हारा था, उस दिन से ही मैंने मन बना लिया था कि कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्यता से इस्तीफा दूंगा। उन्होंने लिखा है, मैं कभी पावर और पद का भूखा नहीं रहा। मैंने नैतिकता और मूल्यों में निहित राजनीति को हमेशा आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस में सभी स्तरों पर अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है, इसीलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव हरियाणा जनहित कांग्रेस बीजेपी के हिसार से संयुक्त उम्मीदवार रहे कुलदीप बिश्नोई तब दुष्यंत चौटाला से हार गए थे। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने 19 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर लिया था। तब से वह कांग्रेस में है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे भव्य बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पिछड़ गए थे। आदमपुर कुलदीप बिश्नोई के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का गढ़ है।